आपको कुछ ऐसा फोन देखने को मिल रहा है जिसमें जो है फ्रंट में 6.21 FHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले है। इसमें 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यूज करा गया है। पीछे तरफ इसको पॉलीकार्बोनेट मेटल देखने को मिल रहा है। डुअल कैमरा सेटअप है, AI कैमरा लिखा गया है एंड सिंगल LED टोन फ्लैश है। एक फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा है। नीचे की तरफ जो आपको ऑन की ब्रांडिंग दे रखी है। साइड में आपको वॉल्यूम लोगोस, पावर बटन और नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहा है USB-C टाइप पोर्ट और स्पीकर ग्रिल्स और एक 3.5 mm जैक। और हाँ, साथ में आपको एक माइक्रोफोन भी देखने को मिल रहा है जो कि आप देख सकते हो काफी अच्छा है। और अब देखते हैं फोन को लॉक करके अनलॉक करके जैसे कैसे मिल जाता है आपको फोन। तो इस फोन में जो काफी अच्छा है और फोन में आपको जो है लॉक का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। और आपको फ्रंट में आपको एक छोटी सी नोच दे रखी है जो कि आप बोल सकते हो वाटर ड्रॉप नॉच, जो कि काफी अच्छी है। और अबाउट फोन में जाते हैं तो आप देखते हो इस हमारे फोन में है EMUI 9.0 और आपको एंड्रॉइड वर्जन मिलता है एंड्रॉइड 9.0 आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि काफी अच्छी बात है। अभी जो हम वेरिएंट यूज कर रहे हैं 6GB 64GB वाला वेरिएंट है, बाकी जो है दो वेरिएंट में अवेलेबल होता है 4GB 64GB एंड दोनों में जो है 4GB 64GB एंड 6GB 64GB में। फ्रंट कैमरा जो है 24 MP का है जो कि अपना 1.2 नैनोमीटर साइज पे बेस्ड है। और इसमें जो है आपको सोनी का MX576 जो है सेंसर देखने को मिल जाएगा। बैक कैमरा की बात करें तो बैक कैमरा जो है काफी अच्छा है और मतलब फ्रंट आप यूज कर रहे हो तो फोन काफी अच्छा है। बैटरी जो है इस फोन में आपको 3400 mAh की देखने में मिल जाएगी, जो कि काफी मतलब अगर एक दिन यूज करोगे तो काफी अच्छा बैटरी आपको देने वाली है। बाकी तो इस फोन में सारे मोड ड्यूल वोल्ट वगैरह सारे मोड देखने में मिल जाएंगे। और इस फोन में आपको मिलता है किरिन का 710 प्रोसेसर, जो कि आपको चिपसेट 12 nm पर बेस्ड है, जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है और एक फ्लैगशिप फोन के इक्वल है। और जो कि आपको जो है इसमें GPU टर्बो का मोड भी देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा जैसे आपको गेमिंग करने के लिए काफी अच्छा रहेगा। और इसमें आपको देखने को मिल जाएगा फ्रंट में, बैक में आपको मिल जाएगा 13+2 MP कैमरा जो कि F1.8 अपर्चर पे क्लॉक्ड है, जिससे लो लाइट फोटोग्राफी भी इंक्रीज होगी। तो इसमें फोन 4GB 64GB का आपको वेरियंट है, 6GB 64 का वेरियंट है। और इसका प्राइस आपका अराउंड अभी मार्केट में जो लॉन्च हुआ है 14,000 का लॉन्च हुआ, यानी कि 1 रुपया कम। और 6GB 64 का 18,000 रुपये ये अवेलेबल है सफायर ब्लू, स्काई ब्लू, मिडनाइट ब्लैक कलर में। और जो सेल स्टार्ट होगी वो 20 जनवरी 2019 से, और वो भी एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पे। तो वैसे फोन तो काफी अच्छा, सारी चीज़ें आपको एडिशनल फीचर ड्यूल वोल्टी AI शॉपिंग स्मार्ट AI अनलॉक राइट मोड सारी चीज़ें आपको देखने में मिल जाती है। फोन में तो कुछ कमी नहीं अपने प्राइस के हिसाब से, काफ़ी अच्छा फोन है और मतलब फोन काफ़ी अच्छा लॉन्च कर रहा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। बाकी तो ठीक है फोन, उसमें कोई कमी तो नहीं देखने को मिली। सो गाइस, मुझे इस फोन में कुछ कमियां लगी जो कि कॉर्निंग ग्रो ग्लास ये फोन प्रोवाइड नहीं करता है इस फोन में, ना कि आईओ ब्लास्ट देखने को मिलता। बाकी तो फोन अपने बजट के हिसाब से ठीक है। 4G 64G वाला वेरिएंट आपको जो मिल जाएगा 14,000 रुपीज़ का, 6GB 64 वाला आपको मिल जाएगा 18,000 रुपये का। आपको जो फोन 20 जनवरी से एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट अवेलेबल देखने में मिल जाएगा। बाकी फोन ठीक है अपने बजट के हिसाब से। कैमरा 13+2 MP का यूज कर रखा है, 1.8 MP के साथ में फ्रंट 24 MP का है। बस इस वीडियो करते हैं, अगर वीडियो लाइक देना चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब करना। अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं है तो क्या कर रहे हो, अगर सब्सक्राइब कर लो यार, एक मिनट लगता है। तो कमेंट करना क्या कैसे लगी वीडियो, अपने विजय जरूर प्रकट करने फोन के बारे में। और मिलता है आपको किसी कूल टेक की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।